14वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के निष्पादन अनुदान के संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन NIC के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने परफॉर्मेंस ग्रांट सहित अन्य परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास कार्यों का टेंडर निकालकर अतिशीघ्र कार्यों को पूरा कराया जाए। सर जारी होगी आज ही, आपको भी सर बजट रिलीज के लिए आज ही भेजा, दो दिन डिले इसलिए हो गया सर, वहाँ इलेक्शन थे हमारे यहाँ, तो थोड़ा फाइल वहाँ साइन होने में DM साहब के थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन आज अभी भेजे सर, अभी 11 बजे करीब सर सारा क्लियर कर दिया सर, व्हाट्सएप कॉल। हाँ सर, और सर जो 24 गांव है उसमें मेरे पास 9 ग्राम का आ गया है 3 करोड़ का प्रपोजल, वो मैं दो दिन में नेक्स्ट में वो भी कर दूंगा जो 24 हमारे बाद में हुए थे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके यहाँ? नहीं सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वीकृति नहीं मिल रही है सर, कर दी सारी टेंडर वगैरह की बात हो रही है, प्रधानों को काम नहीं करने दे रहे हैं, इस तरह की शिकायतें यहाँ पे आ रही हैं सर। जो तो मैं देखो सिद्धू साहब को मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा कि और स्टेट लेवल को भी इन्वॉल्व किया गया है सैंक्शनिंग में, बट बेसिकली ये पैसा ग्राम पंचायत का है और ग्राम प्रधान के माध्यम से ही इसको खर्च होना है, इसमें टेंडर के लिए किया जा रहा है। अब पंचायतें बेसिकली ई टेंडर से एग्जेम्प्टेड है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि किसी भी टेंडर में हम लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं, अगर EPC प्रोजेक्ट हो तब भी हम कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर वहां काम करता है, मटेरियल ले जाता है, अपने आदमी मजदूर के रूप में लगाता है और कुछ पैसा फिर उसमें ऐसे प्रॉफिट हुआ अर्न करता है, सही है। यहाँ पे जो हम लोग की व्यवस्था है उसमें प्रधान ही इस काम को करता है, तो एक तरह से आप ऐसे देख सकते हो कि प्रधान के रहते हुए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर ला के काम कराओगे तो उसका एक नतीजा ये हो सकता है कि गांव में हर काम की शिकायत होती है, आज कहीं भी चले जाओ हर किसी भी काम पे गांव में तो एक पक्ष मिलेगा जो शिकायत करता है। अभी क्या होता है कि प्रधान काम को एग्जीक्यूट किया है, एक पक्ष शिकायत करता है तो प्रधान उसको डिफेंड करता है कि नहीं।